नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानकाड्डा पर। दोस्तों, आज है 28 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं 28 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के ऊपर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर साइंस मैं खुद यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको, यहाँ पर आपको जीके पढ़ाया जाता है, चाहे वो राजस्थान का जीके हो चाहे वो इंडिया का जीके हो। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, इसके साथ साथ आपको रीजनिंग पढ़ाया जाता है, इसके साथ साथ आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारी क्लासें होती हैं, बहुत सारे टीचर इस चैनल के ऊपर काम करते हैं, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, अगर आप SSC की तैयारी करते हैं, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, अगर आप राजस्थान पटवारी की तैयारी करते हैं, या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस भारत के अंदर जो एग्जाम होती है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत परफेक्ट चैनल आपके लिए। और बहुत डेडिकेटेड तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पर मतलब आपको स्टडी करवाते हैं। तो आप अच्छे से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं, ठीक है? नाम छोटा लगता होगा आपको, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, ज़बरदस्त करते हैं हमारे टीचर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 28 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत समेत तीन देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, उस देश का नाम आपको बताना है जिसने भारत समेत तीन देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत सहित तीन देशों की यात्रा पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, वो दो देश और कौन कौन से हैं? एक का नाम है मेरे दोस्तों ब्राज़ील, एक का नाम है ब्राज़ील, और दूसरे देश का नाम है अर्जेंटीना। ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भारत, इन तीन देशों की यात्रा पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति आ जा नहीं सकता सऊदी अरब, सऊदी अरब से ना तो सऊदी यहाँ से सऊदी अरब कोई व्यक्ति जा सकता है, और ना ही सऊदी अरब अरब का व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। तो आने जाने के ऊपर रोक लगा दी है सऊदी अरब ने। क्यों लगाई है मेरे दोस्तों? इसका कारण है कोविड-19। कोविड-19 के कारण यानी यहाँ पर ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, इसके चलते ये प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है? बिल्कुल। अगर कोई यात्रा करके आ भी गया, तो उसको 14 दिन तक क्या रहना पड़ेगा? आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, है ना? ये भी आपको अच्छे से बात पता होनी चाहिए। तो और कोई कारण नहीं है, सिर्फ कोविड-19 का कारण है। इस कोविड-19 के कारण ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भारत की यात्रा पर सऊदी अरब ने क्या लगा दिया? ये रोक लगा दी है। उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? दोस्तों, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है, उस रेल राज्य मंत्री का नाम आपको बताना है जिनका 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। तो मेरे दोस्तों, उनका नाम है सुरेश अंगड़ी। सुरेश अंगड़ी का 65 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? कोरोना के कारण निधन हो गया। और दोस्तों, ये क्या है? रेल राज्य मंत्री हैं। रेल राज्य मंत्री जिनका नाम है सुरेश अंगड़ी, इनका 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण क्या हो गया? निधन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छे, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना महामारी की वजह से निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले ये पहले केंद्रीय मंत्री हैं। पहले केंद्रीय मंत्री कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले, तो उनका नाम है सुरेश अंगड़ी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, पहले केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी जिनका कोरोना के कारण निधन हुआ है। सुरेश अंगड़ी कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। कर्नाटक के क्या हैं? दूसरे सांसद, यानी सेकेंड सांसद हैं कर्नाटक के। इससे पहले एक सांसद का और मृत्यु हो चुकी है इस कोरोना के कारण, उनका नाम था अशोक गस्तीव। अशोक गस्तीव पहले सांसद थे जिनका कोरोना के कारण निधन हुआ। तो अशोक गस्ती फर्स्ट थे, और दोस्तों सेकंड कौन है? आपके सुरेश अंगड़ी, और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक के सांसद हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये राज्यसभा के सांसद थे, ध्यान रखना, राज्यसभा के सांसद थे। और दोस्तों, ये कर्नाटक की बेलगाम जो सीट है, इस बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा सांसद भी बने हैं ये। कब कब? 2004, 2009, 2014, 2019। ये दोस्तों बेलगाम से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, तो ये लोकसभा सांसद भी हैं और लोकसभा से 4 बार जीते भी थे, और ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे। और दूसरे सांसद हैं कर्नाटक के कोरोना के कारण मरने वाले, पहले का नाम था अशोक गस्तीव, और पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनका कोरोना के कारण निधन हुआ है, उनका नाम है सुरेश अंगड़ी। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डेन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। दोस्तों डेन जोन्स किस देश से बिलोंग करते थे, तो मैं आपको बता दूं ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी थे, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यानी फॉर्मर क्रिकेट खिलाड़ी थे ये, जिनका नाम था डेन जोन्स, इसका मुंबई के अंदर क्या हो गया, निधन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूँ समझ में आपको आया होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है, अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है, कितना कर्ज, 9913 करोड़ रुपए, है ना, ये केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, और वो कितने राज्य हैं, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, उन राज्यों की संख्या आपकी 5 है, 5 वो राज्य हैं जिनको केंद्र सरकार ने खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की क्या दी है, मंजूरी दी है। अच्छा ये मंजूरी क्यों मिली उसके बारे में बात करते हैं, तो ध्यान रखना वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा, ये 5 राज्य आपको ध्यान रखना है, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आपका गोवा, चौथा आपका कर्नाटक और पांचवा आपका त्रिपुरा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनको वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की क्या दी है, अनुमति दी है। और ये क्यों दी है दोस्तों, कोविड 19 संकट के कारण राजस्व में कमी आ गई, और कमी आ गई लेकिन मतलब जरूरत पूरी करने के लिए खर्च भी करना जरूरी है, तो खर्च कब करेंगे, जब उनके पास पैसा होगा, और पैसा कहां से प्राप्त होगा, इस अतिरिक्त कर्ज से प्राप्त होगा, इसीलिए यह अनुमति दी गई है। और दोस्तों कब इसको, कौन सी शर्त के बाद इसको यह अनुमति मिली है, तो ध्यान रखना वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन के बाद ये क्या मिली है, इनको अनुमति मिली है, वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन के बाद। तो बात अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, वो 5 राज्य आपको ध्यान रखनी जिनको ये अनुमति मिली है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो शुरू की जा रही है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की जा रही है। कहाँ पर स्टार्ट की जा रही है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। दोस्तों केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू कर रखी है, उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को शुरू किया है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है दोस्तों, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे उनको 4000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अच्छा कितने हज़ार रुपये की, 4000 रुपये की, है ना, 4000 रुपये की। और इस योजना के अंतर्गत पीएम सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में कुल 4000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है जो पीएम जो सम्मान निधि योजना है, पीएम सम्मान निधि जो योजना है दोस्तों, इस पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये एक वर्ष में मिलते हैं, 6000 रुपये एक वर्ष में मिलते हैं। और दोस्तों जिन परिवारों को ये लाभ मिल रहा है, जिन परिवारों को ये लाभ मिल रहा है और वो एमपी में निवास करते हैं, वो एमपी में अगर निवास कर रहे हैं और जिनको ये लाभ मिल रहा है पीएम सम्मान निधि योजना वाला, तो उसको ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और इसमें कितने हज़ार रुपये दिए जाएंगे, 4000 रुपये, और एक वर्ष में 4000 रुपये दिए जाएंगे, और कितने किस्तों में दिए जाएंगे, 2 किस्तों में दिए जाएंगे। तो उन्हीं को ही मिलेगा जिनको ये पीएम सम्मान निधि योजना का जिनको लाभ मिल रहा है, उनको ही इस मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा, ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है, प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत किस देश के बीच की गई है, भारत और किस देश के बीच की गई है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव और भारत के बीच, मालदीव और भारत के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है,
प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत भारत और मालदीव के बीच की गई है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, और इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी करते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। दोस्तों, इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2019 में मालदीव की यात्रा के दौरान की गई थी। तभी से ये लंबित थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की घोषणा कब की गई थी, जून 2019 में की गई थी, जब मालदीव की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री। दोस्तों, कार्गो सेवा एक माह में दो बार संचालित की जाएगी। कितनी बार संचालित की जाएगी, एक माह में दो बार संचालित की जाएगी। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, दोस्तों भारतीय नौवहन निगम के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, भारतीय नौवहन निगम के द्वारा किया जाएगा, यानी SCI के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, भारतीय नौवहन निगम के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि भारत और मालदीव के बीच में कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में की थी। एक महीने में दो बार संचालित की जाएगी। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीय नौवहन निगम के द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों, भारत वर्तमान में मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। यानी मालदीव का सबसे चौथा सबसे बड़ा व्यापार जो भागीदार है वो कौन है दोस्तों, भारत है मालदीव का। ठीक है, और इस कार्गो सेवा की शुरुआत के साथ दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्देश्य यही है कि आपस में क्या बढ़े, व्यापार बढ़े भारत और मालदीव के बीच में। यही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा। दोस्तों, 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करने वाला है कौन, UAE। तो वो किस देश को करने वाला है, तो उस देश का नाम है मेरे दोस्तों भारत। भारत को क्या करेगा, ये जो UAE है, UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात भारत को 93,895 कार्बाइन राइफल की क्या करेगा, आपूर्ति करेगा। यानी 93,895 कार्बाइन राइफल बना के देगा भारत को, कौन बना के देगा, UAE बना के देगा। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हो ये बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन इसका डिस्कशन हम करते हैं। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है क्राकल। कौन सी कंपनी, क्राकल कंपनी। ये जो क्राकल कंपनी है, ये क्राकल कंपनी भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की क्या करेगा, आपूर्ति करेगा। और दोस्तों, कार्बाइन एक प्रकार की क्या है, राइफल है। और कितनी राइफल बना के देगा ये, 93,895 राइफल बना के देगा। कौन सी कंपनी बना के देगी, UAE की जो क्राकल जो कंपनी है वो भारतीय सेना को बना के देगी। और दोस्तों, किसके तहत बनाया जाएगा, मेक इन इंडिया मुहिम के तहत ये बनाया जाएगा। और ये समझौता कब हुआ था दोस्तों, 2018 में हुआ था, लेकिन अब तक ये क्या था, लंबित था, लेकिन अब इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा जोर दिया गया है। ठीक है, ये समझौता 2018 में हो चुका था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 93,895 कार्बाइन राइफल बना के देगा UAE मेक इन इंडिया मुहिम के तहत। और दोस्तों, कौन सी कंपनी बना के देगी, क्राकल कंपनी बना के देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर करेंगे, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जयंती पर, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैभव शिखर सम्मेलन का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। दोस्तों, ये जो वैभव शिखर सम्मेलन है, ये किस किस का सम्मेलन है, तो ध्यान रखना, जो प्रवासी भारतीय हैं और जो देश के वैज्ञानिक हैं और जो देश के जो शिक्षाविद हैं, उनका एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है, ध्यान रखना। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शामिल होता है, और इसके साथ साथ आपका DRDO यानी कहने का मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी क्या होता है, शामिल होता है इस शिखर सम्मेलन के अंदर।
ध्यान रखना, वैभव शिखर सम्मेलन के बारे में आपको मैंने कुछ बातें बताई, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इसका क्या किया जाएगा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये किसके लिए है और कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोविड 19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। यानी भारत ने मालदीव को कोविड 19 महामारी के कारण जो इसकी इकोनॉमी है उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था उससे निपटने के लिए और मदद करने के लिए मालदीव को कितने करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त प्रदान की है भारत ने। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो सहायता प्रदान की ये 25 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की, कितने करोड़ डॉलर की, 25 करोड़ डॉलर की मालदीव को सहायता दी गई है भारत के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां पर अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा चुकी थी कोविड 19 के कारण, इसलिए भारत ने 25 करोड़ डॉलर रुपए क्या हैं उनको प्रदान किए हैं, दिए हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारत ने कोविड 19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। दोस्तों यह सहायता भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने प्रदान की है और किसके तहत, माले को ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री के जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी। SBI के द्वारा मतलब ये उपलब्ध करवाई जाएगी और किसके तहत, माले को ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री के तहत, माले को ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री के तहत ये मतलब उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो खरीद लेगा भारतीय स्टेट बैंक और उनको क्या कर देगा, 25 करोड़ डॉलर रुपए हैं वो क्या कर देगा, उनको प्रदान कर देगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी MMUY का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, गुजरात सरकार ने इस MMUY या फिर मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, गुजरात आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात। अच्छा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों यह योजना राज्य में महिलाओं के जो समूह होते हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी, उनको मतलब लोन देगी बिना ब्याज के, बिना ब्याज के लोन देगी मेरे दोस्तों ये योजना। इस योजना के तहत ये जो राज्य सरकार है, गुजरात राज्य सरकार, वो महिलाओं के जो समूह होते हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। और दोस्तों महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह है यानी JLEG का गठन किया जाएगा। यानी समूह बनाए जाएंगे संयुक्त देयता और अर्निंग समूह जिनको हम JLEG भी बोलते हैं। तो JLEG के कितने समूह बनाए जाएंगे, 50,000 समूह बनाए जाएंगे दोस्तों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समूह बनाए जाएंगे, 50,000 समूह बनाए जाएंगे। और उनको क्या करेगी मेरे दोस्तों, गुजरात जो राज्य सरकार है वो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत उनको ब्याज मुक्त क्या करेगी, ऋण प्रदान करेगी। और दोस्तों कितने समूह बनेंगे, 10-10 के समूह बनेंगे, कितने समूह बनेंगे, 10-10 महिलाओं के समूह बनेंगे। और दोस्तों कितने समूह बनने वाले हैं, टोटल 50,000 समूह बनने वाले हैं। ठीक है, और इनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली है गुजरात सरकार। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों तबीयत 2 दिन से डाउन है इसलिए मेरी शाम की और दिन की क्लास नहीं आ रही है, लेकिन आज से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेरी क्लास आने वाली है 8:30 पर, उस क्लास को अच्छे से आपको प्यार देना है। 8:30 पर मेरी जो क्लास आएगी वो क्लास मेरी आने वाली है बायोलॉजी थ्योरी की। 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, इसका कारण ये था कि मैं बीमार था, मेरी तबीयत डाउन थी, बुखार थी, तो थोड़ा सा मतलब मिस हो गया था क्लास, लेकिन अब शायद नहीं होगा क्योंकि भगवान ने करे मेरे को कुछ हो और मैं आपकी क्लास मिस करूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, लव यू सभी को।